सो हाय गाइस, आज का जो ट्रेनिंग होने वाला है वो बहुत ब्रूटल होने वाला है मेरा। ये सीजन का समर आ चुका है फाइनली, और काफी गर्मी है इधर। तो आज सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, एंड आज का ट्रेनिंग कुछ थोड़ा ब्रूटल होने वाला है। खाली पेट ट्रेनिंग होगा आज, वर्कआउट में करूँगा, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं अभी खाली पेट चल रहा हूँ। तो इसे मैं अपना लिमिट भी टच करना चाहता हूँ कि गर्मी में लेग वर्कआउट में करूँगा, और कैसा होता है वो मैं देखूंगा कि मैं कितना, मेरा टॉलरेंस कितना है, मैं वो चेक करना चाहता हूँ। तो देखते हैं कि कैसा होगा, बट एकदम खाली पेट नहीं करने वाला हूँ मैं। जो आज का मेरा जो सपोर्टर रहेगा वो बस एक पेपर बोट है, जो कि अराउंड 125 ml है, 125 ml ऑफ पेपर बोट। ये इससे मैं पीकर मैं आज ट्रेन करने वाला हूँ। तो देखता हूँ कि कैसा होता है। काफ़ी दिन से मैंने मतलब मेरा जितना भी प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग का, मैं खा कर ही करता हूँ, बट आज खाली पेट करने वाला हूँ। सो लेट्स सी कि कैसा होता है ट्रेनिंग। बाकी जिम का हालत ऐसा है कि बहुत ब्रूटली वहाँ पे गर्मी लगता है, तो इट्स अ चैलेंज। देखते हैं कि आज का वर्कआउट कैसा होता है। तो लास्ट तक देखो और कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। सो गाइस, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, देख लो एक बार, टू हॉट, और खाली पेट हूँ तो पता नहीं आज का ट्रेनिंग कैसा होगा। सो लेट्स सी। गाइस, लेग्स का वार्म अप हो चुका है और मैं स्टार्ट करने वाला स्क्वाट से। सो गाइस, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैन नहीं है, बट गर्मी इतना ज़्यादा है, अराउंड 38 है, 38 39 के आसपास गर्मी है, एंड फैन नहीं है उसमें। लेग वर्कआउट, ऊपर से खाना नहीं खाया, एम्प्टी स्टोमक। सो इट्स अ चैलेंज, एंड आज का दिन जो है, जो आज का जो चैलेंज है, आज का जो वर्कआउट है, इट्स नॉट अ जॉक एनीमोर। तो देखते हैं कि कैसा होता है। मेरा फर्स्ट सेट तो हो चुका है, अभी मैं 4-5 सेट करूँगा स्क्वाट्स का, काफ़ी दिन बाद, अराउंड 2 मंथ्स के आसपास शायद मे भी। तो रेफरेंस जो रखूँगा थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि इससे बिगनिंग। तो चलो करते हैं। ये मेरा थर्ड सेट था और 3 सेट हो चुका है, लास्ट सेट मेरे को करना है। अराउंड 2.5 मंथ्स मैंने स्क्वाट्स किया नहीं है टेल बोन की रिकवरी के लिए, बट ये वेट जो वेट मैं वार्म अप हुआ करता था जब मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा था लास्ट ईयर, वो आज भारी लग रहा है। तो यही होता है, जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो बहुत ईजी होता है कोई भी चीज़, बट एक बार कंसिस्टेंसी टूटा तो वो चीज़ टफ हो जाता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो वो मेरे साथ आज हुआ है, बाकी कोई नहीं, स्क्वाड हम बढ़ा लेंगे वापस से जगह पे जहाँ पे मैं था, चला जाऊँ वहाँ पे, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। बाकी मैं रिकवरी फेज में हूँ, तो इट्स ओके। कम ऑन, चलो 6 रिपीटेशंस। इट्स हैवी, भारी फील हो रहा है थोड़ा, 2.5 मंथ्स के बाद। 1 4 plus 2 6 done. सो गाइस, गर्मी इतना ज्यादा है कि अब मेरे को थोड़ा थोड़ा डिहाइड्रेशन फील हो रहा है। सुबह से कुछ नहीं खाया है, बट ये वेट मार के अच्छा फील हो रहा है। बाकी क्रेविंग्स भूख का इतना ज़्यादा लग रहा है कि अभी मेरे को कुछ दे दो, मैं खा लूँगा, एम्प्टी स्टोमक, बट फिर भी स्ट्रेंथ है, वेट मूव हो रहा है,
ये तो वार्म था एक टाइम मेरा, बट पहुंचेंगे जहां में था, आई विल रीच देयर सून। चलो सो गाइस, स्क्वाट्स खत्म हो चुका है और अभी टाइम फॉर लेग एक्सटेंशन, उसके बाद शायद से लेग प्रेसेस, तो इसका भी शायद 5 या 6 सेट या फिर 7 सेट्स भी कर सकता हूँ अभी इसका। तो इतना गर्मी है, बाकी फटाफट करके निकलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सेट मैंने किया है, ये होगा मेरा नंबर 8। तो देखते गर्मी बहुत ज़्यादा है, सिचुएशन देख सकते हो। सो जो गर्मी है वो अनबियरेबल है, और आज मैं लेग्स का अभी तक मैंने 2 एक्सरसाइज किया और एक करूँगा। मैं अभी करने वाला था लेग प्रेसेस, बट नो लेग प्रेसेस, मैं तो 3 दिन करके करूँगा वीक में, अभी 3 बार लेग ट्रेन करूँगा। तो डिवाइड कर दूँगा लेग्स, स्क्वाट्स और लेग प्रेस का अलग अलग सेशन रहेगा। तो आज हो गया मेरा स्क्वाट्स, नेक्स्ट सेशन जो होगा वो मेरा होगा लेग प्रेस। सो अभी मैं करूँगा 12 प्रेसेस, 3 या 4 सेट, डेट्स इट। डे 1 के हिसाब से अच्छा खासा रिजल्ट मेरे को दिखा है अभी तक, तो चलते हैं और लगाते हैं अभी 12 प्रेसेस। इसके बाद मैं कर दूंगा अपना लेग एक्सरसाइज खत्म, फिर देखते हैं क्या होता है उसको।